नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। वक्त हो चुका है इस वक्त की 10 बड़े खबरों का, तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर ही अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के आसपास के जिलों को मिलाकर राज्य राजधानी क्षेत्र एससीआर बनाया जाएगा। इसके लिए प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य राजधानी क्षेत्र और अन्य क्षेत्र प्राधिकरण विधेयक 2023 विधेयक का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, साथ ही लोगों से इस पर सुझाव भी मांगे हैं। वहीं उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सिलकियारा डंडाल गांव सुरंग के हिस्से के ढहने से उसके अंदर 40 श्रमिक फंसे हुए हैं। इन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। वहीं इसी बीच सरकार ने इस हादसे की जाँच के आदेश दिए हैं। वही मिठाई और स्नैक्स ब्रांड कंपनी बीकानेर वाला के संस्थापक लाला केदारनाथ अग्रवाल का सोमवार को दिल्ली में निधन हो गया। बीकानेर वालों की ओर से एक बयान जारी करके ये जानकारी दी गई है। वही उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में आज सुबह हुए भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। ये हादसा हाईवे पर अनियंत्रित कार के ट्रक के नीचे घुसने से हुआ है। वहीं कार के ट्रक के टकराने के बाद सड़क पर चीख पुकार मच गई। कार सवार दिल्ली से हरिद्वार जा रहे थे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी रैली में कन्हैया लाल हत्याकांड का जिक्र करते हुए सरतन से जुदा नारे का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि क्या कभी ऐसी कल्पना भी की जा सकती है कि भारत में एक दिन ऐसा नारा लगेगा, लेकिन राजस्थान में ऐसे नारे लग चुके हैं। वहीं टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को 2024 के आम चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में पार्टी के संगठन को मजबूत बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मोइत्रा रिश्वत लेकर संसद में प्रश्न पूछने के मामले में फंसी हुई है। वहीं आगरा के गेस्ट हाउस में महिला स्टाफ से गैंगरेप के मामले में पुलिस ने एक महिला सहित 5 को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि इन लोगों ने उसे जबरन शराब पिलाई और फिर गैंगरेप किया। होटल के मालिक और कुछ लोगों ने उसका आपत्तिजनक वीडियो बना लिया था और ब्लैकमेल कर रहे थे। वहीं श्रीलंका क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान अर्जुन रणतुंगा ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सचिव जय शाह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रणतुंगा ने कहा कि जय शाह के दबाव के कारण श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड बर्बाद हो रहा है, क्योंकि श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के अधिकारियों पर उनका दबदबा है। वहीं टीम इंडिया ने विश्व कप 2023 में अभी तक खेले सभी 9 मैच जीते हैं। अब उसका सामना सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से होगा। न्यूजीलैंड ने 9 में से 5 मैच जीते हैं। वहीं टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को लीग मैच में 4 विकेट से हरा दिया था, लेकिन सेमीफाइनल में कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत पूरे राज्य में आज से ठंड बढ़ने जा रही है। इसके साथ यूपी में आज से हल्की शीतलहर भी दस्तक देगी। इस शीतलहर का लोगों को रात के वक्त एहसास होने लग जाएगा। यही नहीं, अधिकतम तापमान में भी 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। फिलहाल के लिए इतना ही। इन खबरों के लिए बने रहें द लीडर हिंदी के साथ।